नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के बाहुबलियों के द्वारा भी ये तैयारी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें यूपी के दस्यु सुंदरी की भी, तो इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में यूपी की दस्यु सुंदरी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और साथ ही दस्यु सुंदरी फूलन देवी चुनाव जीती भी थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें दस्यु सुंदरी की एंट्री होने जा रही है। तो आखिर कौन है ये दस्यु सुंदरी जो और कई नेताओं को टक्कर देने की तैयारी कर रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं अपने आगे की रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई नेता चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार कानपुर जेल में बंद दस्यु सुंदरी सीमा यादव ने भी चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। 12 साल की उम्र में जिस सीमा को उसके पति ने ही डकैतों को बेच दिया था, अब उसका कहना है कि राजनीति के गलियारों में पैर रखकर वह समाज के लिए कुछ अलग करना चाहती है। कानपुर देहात की दूसरी दस्यु सुंदरी सीमा यादव एक बार फिर सियासत के गलियारे में कदम रखने जा रही हैं। सीमा यादव ने सिकंदरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल सीमा यादव जब 11 साल की हुई तो उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी थी। 1958 में इटावा के भवानीपुर गांव के निवासी कल्लू सिंह से शादी सीमा की हो गई थी। शादी के बाद सीमा ने देखा कि घर में बंदूकधारी उसके पति से मिलने आते रहते हैं। डकैतों को घर में देखकर सीमा हैरान थी, जिसके बाद उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस बात पर ससुराल वालों ने सीमा को 60,000 डकैतों को बेच दिया, जिसके बाद 12 साल की उम्र में वह चंबल की डकैत बन गई। एक पेशी के दौरान आई सीमा ने मीडिया के सामने कहा है कि इस बार सिकंदरा विधानसभा सीट से वो निर्दलीय चुनाव में उतरेंगी। और सीमा का कहना है कि वो राजनीति के गलियारे में पैर रखकर समाज के लिए कुछ अलग करना चाहती हैं, खासकर महिलाओं को लेकर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के लिए वह उनकी आवाज बनना चाहती हैं। सीमा का कहना है कि उनसे चुनाव लड़ने के लिए कई पार्टियों ने संपर्क भी किया है, लेकिन वह निर्दलीय ही लड़ेंगे। वह 2017 में भी सिकंदरा विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, वहीं मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। और इसके बाद अब दस्यु सुंदरी सीमा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। वो जेल में रहकर भी इस चुनावी मैदान में उतरेंगी और साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो महिलाओं को लेकर ये चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामलों को लेकर वो महिलाओं को आज़ाद करवाना चाहती हैं। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनका कहना है कि वो महिलाओं के लिए काम करेंगी, समाज के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहती हैं। वो अलग बात है कि दस्यु सुंदरी सीमा अभी भी जेल में हैं और उसके बाद भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो निर्दलीय ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, यानी कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनावी मैदान में सीमा उतरती हैं और किस तरीके से अपनी जीत हासिल कर पाती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।